नमस्कार दोस्तों, ज्ञान टाइम के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अक्सर हम महंगे कपड़ों को ड्राई क्लीन करते हैं। ड्राई क्लीन यानी हिंदी में सूखी धुलाई। क्या आप जानते हैं ड्राई क्लीनिंग क्या होता है? क्या सच में ड्राई क्लीनिंग में पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता? चलिए जानते हैं ड्राई क्लीनिंग असल में होता क्या है और ये कैसे किया जाता है। उससे पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी दबाए और ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, ड्राई क्लीनिंग में पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जी हाँ, सही सुना आपने, ड्राई क्लीनिंग में पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन पानी के जगह पर एक ऐसे द्रव का उपयोग किया जाता है जो नाजुक से नाजुक कपड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना साफ करता है। इस द्रव का नाम परक्लोरोएथिलीन है। ये शब्द उच्चारण के लिए थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसे PERC या PEC के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ड्राई क्लीनिंग हाथ से नहीं किया जाता। वॉशिंग मशीन की तरह है, ड्राई क्लीनिंग की भी एक मशीन होती है, परंतु उसमें कपड़ों को पानी और साबुन की जगह है PEC सॉल्वेंट में डालकर 10 से 15 मिनट खंगाला जाता है। कपड़े साफ होने पर निकाल लिए जाते हैं, उसे ड्रायर से सुखाया जाता है और प्रेस करने के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, गंदा PVC सॉल्वेंट रिसाइकलिंग की मशीन में जाकर साफ हो जाता है और इसे फिर से उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, कौन से कपड़े ड्राई क्लीन करवाने चाहिए और कौन से नहीं, इसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। जिन कपड़ों पर ड्राई क्लीन ओनली का टैग लगा होता है, उन्हें ड्राई क्लीन ही करवाने चाहिए। कुछ कपड़े नाजुक और मुलायम होते हैं, जिन्हें ड्राई क्लीन करवाना ही उचित रहता है, जैसे कि रेशम से बने कपड़े, तफ्ता, ऊनी या गर्म कपड़े, वेलवेट, एसीटेट, रेयान, सिल्क या ऊन के मिश्रण से बने ब्लेंडेड कपड़े, स्वेड, लेदर से बने जैकेट आदि कपड़ों को ड्राई क्लीन ही करवाने चाहिए। ये कुछ कपड़ों के प्रकार और उनके ड्राई क्लीन के लिए कितना खर्चा आता है, इसकी लिस्ट है। ध्यान रहे कि इसकी प्राइस जगह के अनुसार ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर यही रेट्स होते हैं। दोस्तों, ड्राई क्लीन करवाने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि कपड़ों पर लगा हुआ कितना भी जिद्दी दाग ड्राई क्लीन से निकल सकता है, कपड़े सिकुड़ते नहीं है और ना ही खराब होते हैं, कपड़ों का रंग भी खराब नहीं होता, कपड़े की गुणवत्ता वैसी ही बनी रहती है, कपड़े से बदबू नहीं आती और फ्रेश फील होते हैं। कैसा भी शर्ट हो, ड्राई क्लीन के बाद नया ही दिखने लगता है। ड्राई क्लीन करवाने से कपड़े ज्यादा चलते हैं। दोस्तों, ध्यान दें कि ड्राई क्लीनिंग इतनी भी आसान चीज नहीं है कि आप इसे घर पर करें। अधिकांश ड्राई क्लीनर के पास वर्षों का व्यवहारिक अनुभव होता है, इसीलिए कभी भी कपड़े ड्राई क्लीन करवाने हो तो ड्राई क्लीन सेंटर में ही करवाए। उम्मीद है ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक मिलाए रखिए ज्ञान टाइम से हाथ। धन्यवाद।